बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज आप हम एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे बंदे से मिलवाने जा रहे हैं जो कि सराकी बोलता है, और इसके पास एक ऐसे ऐसे कबूतर मौजूद हैं जो 500 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर तक सफ़र करते हैं और फिर घूम फिर के वापस अपने घर लौट आते हैं। ऐसे ऐसे सियाने कबूतर मौजूद हैं, तो हम इनसे पूछेंगे ये कहाँ से लेकर आते हैं, कैसे इम्पोर्ट करवाते हैं, या खुद से ब्रीड करवाते हैं, खुद से बच्चे निकलवाते हैं, या कि ये कहीं से खरीदते हैं, अगर खरीदते हैं तो कहाँ से खरीदते हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्शद। वालेकुम सलाम। क्या वो मुझे रखना नहीं देते थे, तो मेरे चाचा जी वो आप खुद हो गए, वो मुझे सपोर्ट करते थे, वो मेरे दोस्त भी थे, मेरे से उम्र में 4-5 साल बड़े थे। उन्होंने मुझे कबूतर ले, पहले असल बेसिकली ना मेरे चाचा को शौक था, मैं बचपन में ना फिर उनको देखता, मुझे भी शौक हो गया। उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों को कबूतरों को शौक है, उन्होंने कबूतर ख़त्म कर दिए। मेरा अपने भाइयों को कहा ख़त्म कर दो, मुझे शौक था लेकिन रखने नहीं देते थे। 2009 में मेरी नौकरी लगी, तो मुझे बचपन का शौक था, मेरा एक जुनून था कि मैं कबूतर रखूँ। जैसे नौकरी लगी, नौकरी के 2-3 महीने बाद ना मैंने ना अपना सेटअप किया, एक कमरा बनाया कबूतरों के लिए, और कमरे में उनके कबूतर मैं ले गया। मैं कबूतरों के लिए कमरा बनाया। हाँ जी, कबूतरों के लिए मैंने अपने, मुझे शौक बचपन का था लेकिन मेरे पास मैंने अपनी जेब से खर्चा किया और एक कमरा बनाया, दोबारा बनाया, कबूतर रख के स्टार्ट किए मैंने कबूतर। पहले मुझे शौक था कबूतरों का, जो बाजियों वाला होते हैं, असील। अल्लाह का शुक्र है मैंने 2009 से स्टार्ट किए, 15-16 तक, ये पिछले साल तक मेरे पास असील भी रहे हैं। 40-50 कबूतर मैंने असील रखा है, और टुकड़ी वाला जिसको कहते हैं लड़ाने वाले कबूतर, वो मेरे पास 100-150 हर वक्त मौजूद रहता है 9 के बाद। अब मुझे चंद सालों से, 4-5 सालों से ना रेशम का शौक हो गया भाई। इधर मुल्तान में तो क्लब में हिस्सा लेते हैं, कम से कम 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 700 किलोमीटर कराची तक कबूतर छोड़ते हैं। फिर मुझे इधर ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, मैंने असीली भी छोड़ दिए और टुकड़ी वाले भी छोड़ दिए, मैं इस लाइन पे आ गया। फिर मैंने बाहर से कबूतर मंगवाए, मेरा एक कज़न बैठा है कतर में, मेरे बड़े चाचू का बेटा है, मेरा जो बड़ा चाचू है 40 साल कतर रहा है, दूसरा मेरा जो छोटा उसी का बेटा है छोटा, वो है इस वक्त अमेरिका बेटा है। फिर उनसे शौक तो है, कज़न है हमारे बचपन के दोस्त हैं, उनको कहा कुछ, उन्होंने कबूतर इंपोर्ट करवा के मुझे खरीद करके दिए। 2015 से मैं रेसों में आ गया। अब अल्लाह का शुक्र है मैंने 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर तक मैंने हिस्सा लिया है। ये बच्चे नहीं निकल सकते इधर इनके, अब मैंने जो इंपोर्ट वाले जो मेरे अच्छे कबूतर हैं जो रेसों में आ चुके हैं, उनके मैं आपको ब्रीडिंग करवा रहा हूँ, उनके आप बच्चे भी निकले पड़े हैं। क्या वो आप सेल करेंगे या आप एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर भेजेंगे? जो हमारे कीमती कबूतर है ना, वो तो हमने कभी बेचे नहीं है, जो इम्पोर्ट आए हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है आप हमारा इतना नाम बना हुआ है मुल्तान में कि लोग हमारे से लेने आते हैं। और कोई आपका उस्ताद भी है? हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह मेरा उस्ताद है उमर दराज जोगर, आजकल वो है मिर्जा आमिर बेग का उस्ताद शगीर्द, मेरा उस्ताद उमर दराज जोगर है, उन्होंने भी माशाल्लाह उनका भी नाम है अपना असीलों में भी है और इसमें भी है। बाहर से उनके भी दोस्त बैठे हैं जो दवाइयां हम मंगवाते हैं इनको कबूतरों को खिलाने के लिए, तो वो हमारी बाहर की आती है। इसको आपने अगर रेस पे छोड़ना है कबूतर भी यहाँ से आप लाहौर के लिए भेज देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी ट्रेनिंग आप कैसे करवाएं? ट्रेनिंग उधर ही जाए, किसी और तरफ ना निकल जाए, कहीं भावलपुर की तरफ या किसी नहीं, 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 पहले इनको रूट देने पड़ते हैं। रूट देने पड़ते हैं? हाँ जी यार, उनकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग ऐसे हम देते हैं
कि अब ये है ना, पहला हम जीरो गली का बच्चा ना 10 किलोमीटर पे छोड़ देते हैं। अब ये जो हमारा घर है ना, हमारे जो बच्चे हैं 4-5 दिन हो रहे हैं, हफ्ता हो गए बच्चे जीरो गली के, उनको ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर हम मुल्तान में जहाँ से छोड़ दें ना, उनको सिखाई देनी पड़ती है। मेरा मतलब तो यही है ना कि आप एक कबूतर को छोड़ दिया, उसको कैसे पता चलेगा वो गूगल मैप से कनेक्ट है, या उसके डायरेक्शन का कैसे पता चलता है उसको कि ये लाहौर ही जाना है मैंने, लाहौर वाली साइड जाना है या बाहर पता की तरफ। अब हमने इसका रूट निकालना है लाहौर साइड का, ऐसे तो नहीं ड्रैक तो हम लाहौर नहीं छोड़ के आएंगे ना, उनको प्रैक्टिस देंगे ना, उनकी प्रैक्टिस इतनी हम करते हैं कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे तो पहले ये होते हैं अपने घर में, उनको इतने विटाम खिलाते हैं, विटामिन देते हैं, बाहर से जो मंगवाते हैं उनकी विटामिन की कमी पूरी करने के लिए, हम इतना उड़ा उड़ा के ना प्रैक्टिस देते हैं, सारा दिन उड़े ना वो कहीं किसी के पास गिरे ना। जो मेरा सवाल भी वही खड़ा है, आपने जितनी भी प्रैक्टिस करवा ली इधर, आप इसका रूट कैसे सेट करते हैं कि ये लाहौर की तरफ ही जाए? पहले हमने 10 किलोमीटर पे दिया उसको छोड़ा, 10 किलोमीटर मतलब मुल्तान के अंदर आप छोड़ते हैं, ठीक है, तो मशरक की तरफ आपने देखना 10 किलोमीटर, ठीक है, समझाएंगे तो पकड़ना है मतलब। मैं यही तो पूछ रहा हूँ इसको ट्रेनिंग कैसे देंगे कि ये लाहौर की तरफ ही जाए, जैसे अब मैंने यहाँ से कराची जाना हो, मुझे पता नहीं है, कभी नहीं गया मैं, गूगल मैप का सहारा ले लूंगा, या मैं एक चौक पे जाऊंगा वहां से पूछ लूंगा, अगले शहर जाऊंगा जैसे यहाँ से बालपुर जाऊंगा तो पूछूंगी कौन सा रोड जो है ना वो कराची जा रहा है। अब ये कबूतर है, ये परिंदे हैं, ये आप मास्टर आदमी हैं, कारीगर हैं, आप इनको उड़ाते हैं, आपने जैसे ये मंगवाया 500 किलोमीटर से आया है जेलम से आया है, इसको ये कैसे पता चला कि मैंने इस जगह से जाना है? ये तो कबूतर को पता चलता है, हमें थोड़ा पता लगता है यार। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इंटरव्यू देने में घबरा रहे हैं, जहाँ तक मेरे सेंस काम कर रही है वो ये है कि आप इनको एक पलटून बनाते होंगे, यही तो आपको बता रहे हैं कि हमने कबूतर अब छोड़ने हैं ना, फर्ज लिया रेस में हिस्सा लेना है, रेस में हिस्सा लेंगे हम 10 कबूतर छोड़ेंगे। अच्छा, तो हम जब इसको प्रैक्टिस देंगे ना, प्रैक्टिस में हम कम से कम 20-25 कबूतर निकालेंगे, सही है, 20-25 कबूतरों को हम इकट्ठा छोड़ेंगे, फिर इधर हमारा एक भाई बैठा होगा, एक छोड़ने वाला है, एक इधर छत के ऊपर बैठा है, वो देख रहा है कबूतरों की काउंटिंग कर रहा है, कौन सा कबूतर पहले आ रहा है, कौन सा देर से आ रहा है, इन कबूतरों में से हमें पता चल जाता है जो पहले 10 आ रहे हैं ना इन परफॉर्मेंस में, लाहौर में हमने कबूतर छोड़े हैं 20, तो लाहौर तक हम पहुंच गए 20 कबूतर, जो हमारे कबूतर 10 या 12 पहले आते हैं, पहले फर्स्ट टाइम आते हैं, हमने जब रेस होती है उस वक्त उन्हीं 10-12 को छोड़ते हैं, जो हमारे जो पिछले होते हैं ना बट लेट आ रहे हैं, घंटे में आ रहे हैं, 2 घंटे में शाम को, उनको हम नहीं छोड़ते। कबूतर एक छोड़ो 10 छोड़ो 20 छोड़ो उसका कोई मसला नहीं, 10,000 एंट्री है, इसमें हिस्सा लेने पे डिपेंड है। इस दफा 32 मुल्तान के हैं कबूतरों के बादों ने हिस्सा लिए हैं, और पहला इनाम हमारा 2 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो माशाल्लाह मेरे कबूतरों ने जितनी दफा भी हिस्सा लिया है, 2, 3, 3, 4, 5 पोजीशन तक में हमारे कबूतरों ने पांच पोजीशन देते हैं, और 5 के बाद जिसका भी 6ठे नंबर पे है साथ में उनको कोई चीज नहीं मिलती, सही है, और ये 5 बंदों को ना पहला इनाम 2 लाख है, फिर जैसे सेकंड है, थर्ड है, 5 पोजीशन तक उनको ट्रॉफियां मिलती हैं और इनाम मिलते हैं। और बकायदा ना भाईजान हमारा जो फंक्शन होता है
वो एक मैरिज हॉल में होता है। अच्छा। और उस मैरिज हॉल में बकायदा तकरीब होती है, इनामात होती है, और बाहर बाहर के जैसे कबूतरबाज आते हैं, उस्ताद आते हैं, सिंध से, कराची से, गुजरांवाले से, हमारे दोस्त हैं मदर पटाला वो गुजरांवाले से हैं, जैसे हमारे पोजीशन आती हैं। अब हमारा अब ईद के बाद फंक्शन होगा, हम फिर अपने वो कहते हैं अपने दो करीबी दोस्त हैं, 5-6 बंदे आप लेके आ सकते हैं जिनकी पोजीशन होती है, फिर हम बाहर से अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, मेरे उस्ताद जैसे हैं वो भी अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। ये जो कबूतर ये माशाल्लाह कबूतर, ये कबूतर है मेरी फीमेल कबूतरी है, ये बाहर की ब्रांड है। पहली रेस में ये भाईजान ये 200 GB तक छोड़ेगी। का मतलब क्या है कि 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर हवाई किलोमीटर हवाई 200 किलोमीटर हाँ जी। ये 300 ये देख रहे हैं, ये 200 ये 300 ये है 400 ये 500 ये आखिरी फाइनल इस हमारी कबूतरी ने ना 700 रेस सिंध तक ये खेली बैठी है। आप ये देख रहे हैं, आप ये है हमारी फीमेल कबूतरी, 700 किलोमीटर तक सिंध से ये आ गई है, माशाल्लाह इसका तीसरा नंबर आया है। इसमें ये बताएं 700 किलोमीटर ये हवाई रास्ता है, जाने आने का दोनों मिला के आप काउंट करते हैं या एक ही साइड का 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर आने का? ये जो हमारा है सफर, ये हमारा हवाई सफर होता है। हवाई तो होता है, ये सिर्फ आने आने का है, एक साइड 700 किलोमीटर सफर लाके फिर ये फिर ये हम इसको जब आते हैं इतना सफर करके इसको विटामिन के वो देते हैं, ड्राप देते हैं, इनको इंजेक्शन लगाते हैं ताकत के, जब ये इतना सफर करके आते हैं इनकी हालत खराब होती है। कितने दिन तक इनको रेस्ट लेना पड़ता है? फिर ये